अगले साल मेहनत करना, पास हो जाएगा। जा ना टूटे कोई सपना, कुछ नहीं होता, हो जाएगा। 4 बजे रिजल्ट है उसका भाई, उसकी हालत खराब हो रही है। कुछ नहीं, मैंने तो एक पोछे का कपड़ा भी खरीद रखा उसके लिए। गलती से होगी भाई, चल भगवान ने एक नंबर से कर दिया, चलो पास। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज है सिमरन का बोर्ड का रिजल्ट और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हम उसका रिएक्शन लेने वाले हैं। तो जब मेरा रिजल्ट भी आता था ना यार, बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, मतलब जैसे कल रिजल्ट है तो आज ही से टेंशन हो जाएगी कि कल क्या होगा क्या होगा, वैसे उसके साथ हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, 4 बजे उसका रिजल्ट है, तो हम उसका रिजल्ट का मतलब जैसे ही आएगा तो हम उसका रिएक्शन देखें क्या होंगे। तो गाइस देखते हैं, अब सबका रिएक्शन देखते हैं, पूरी फैमिली का रिएक्शन कि क्या होता है। तो अभी चलते हैं सबके पास। फिलहाल तो मम्मी अभी नहाने जा रखी है, तो मम्मी के पास तो अभी जा नहीं सकते। जब मम्मी नहा के आ जाएगी तब मम्मी से ही पूछ लेंगे। सिमरन के पास चलते हैं, गंगू के पास चलते हैं, आर्यन के पास चलते हैं और पूछते हैं आर्यन तो करिए यहीं पे। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं कि क्या सोचता है आर्यन। बता सिमरन हो जाएगी पास आज? उसके लक्षण पास तो नहीं हो सकते। तो क्या लक्षण लग रहे तेरे को उसके? झाड़ू पोछे मारने की मेरी जान। चार बजे रिजल्ट है उसका भाई, उसकी हालत खराब हो रही है। कुछ नहीं, मैंने तो एक पोछे का कपड़ा भी खरीद रखा उसके लिए। तो गाइस आर्यन से तो पूछ लिया, अब चलते हैं सिमरन के पास। सिमरन बैठी है बाहर, उसकी हालत वैसी खराब हो रही है, तो उससे पूछ के आते हैं उसे कैसा फील हो रहा है। चल आ जा आर्यन। सिमरन बता तेरे को कैसा फील हो रहा है रिजल्ट आने वाले तेरा? सही है, पास ही हूं यार। पक्का पास है? फुल कॉन्फिडेंस? अरे भैया रुक जाइए, मैं पूछता हूँ ऐसा सवाल। पहले आप बताइए, आप झाड़ू पोछा कहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाने? अरे हिंदी में बोले, इंग्लिश हमारे समझ नहीं आती है। तो जा यार, जा तो क्या यार, माइक में तेज बोलिए। अरे बताइए तो सही, आप फोन साइज, आप सिमरन अगर चल बाई चांस, अगर चल बाई चांस क्या मतलब, तो पास ही है तो क्या लेगी? जिस हिसाब से इनके लक्षण है, वीडियो बनाना, रील्स में ठुमके लगाना, पास तो नामुमकिन है। ये मुंड मटुपले सजीगे सजीगे, आंखों चश्मा लगेगे लगेगे। पास तो नामुमकिन है, लेकिन गलती से होगी बाई चांस, भगवान ने एक नंबर से कर दिया, चलो पास वो मानते हैं। लेकिन तब तुम क्या लगी, होम साइंस लियो, वो सबसे वेरी नाइस चीज है, उसमें उसमें कर्चुले चलाने पड़ते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस करना है। जब कर्चुले चलाएंगे आप, फिर बेचने आपको चौमिन, फिर चौमिन आपने बेचनी 1 20 रुपए, मैं लूंगा 40 रुपए में 3। मंजूर? मंजूर हो जाएगी, हो जाएगी यार सिमरन, फास्ट टेंशन मतलब हो जाएगी। जिस हिसाब से इनके लक्षण है भैया, मैं भी कह रहा टाइम पे पढ़ देना चाहिए था और ट्यूशन ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, पूरे 6 महीने बर्बाद करे उन्होंने रील्स बनाने में और 600 वीडियो अपलोड कर रखी इंस्टाग्राम में। लाइक आ रखे 3। हाँ 3 लाइक आ रखे 600 वीडियो। चल हो जाएगी यार, हो जाएगी, बहुत बेकार सा फील हो रहा है ना। बहुत ऐसी होता है भाई, जब मेरा था ना 10th का रिजल्ट, बहुत हालत खराब होती है। तो चल कोई नहीं, हो जाएगी यार पास, हो जाएगी, हो जाएगी। वैसे भी हमारे दूध की डेयरी है, गोबर उठाने के लिए हमारे पे कोई कर्मचारी नहीं है, तो आप प्लीज, हमने तसाले 3 लाख है ऑलरेडी, कोई नहीं, तेरा भी तो आएगा जब 10th का रिजल्ट, तब देखेंगे। अबे साले। गाइस तो चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी से पूछते हैं। हां, अब मैं न्यूज़ रिपोर्टर पंकज बुआ से कुछ सवाल पूछूंगा। मम्मी शाम को रिजल्ट है सिमरन का, क्या लगता है? रिजल्ट तो है, क्या लगता है? फिर पास हो जाएगी, हो जाएगी पक्का पास? पास हो जाएगी। जिस हिसाब से उसका लक्षण है, पास होने के तो नहीं है, अगर फेल हुई तो सीधा शादी। वैसे मेरे पास एक कोड है, क्या है ये? मेरा माइक है, प्लीज। ये माइक है, माइक आर्यन का माइक। आप इसमें बोलिए कुछ। हां हां बोल रही हूं मैं, पास हो जाएगी। अगर नहीं हुई गलती से तो भाई 1 साल की मेहनत है, उसकी पास हो जाएगी। अरे कहाँ 1 साल, 9 महीने तो ऐसे बर्बाद कर दिए रील्स बना के, ठुमके लगा के। अरे हो जाएगी, हो जाएगी। अरे आप बताइए प्लीज कुछ। अरे हो जाएगी। चलो मम्मी को हो गया, आवाज गंगू से पूछ। गंगू बता, हो जाएगी सिमरन पास? मुझे नहीं लग रहा फेल होगी, अगर फेल
तो अभी सिमरन बैठी हुई है, हम सारे साथ में बैठे हैं। तो मम्मी देखते हैं अब सिमरन क्या होता है। जब मम्मी मेरा रिजल्ट था, मेरी कैसी हालत रहती थी? अरे बहुत भयंकर खराब हो गई थी हालत, जैसा कुत्ते को मार। पढ़ते नहीं थे भैया, मार ही खाते थे 24 घंटे। ये तो कह रहे अभी 9th में ना, ये सॉरी 6th में, ये 9th में जब इनका रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। पढ़ना ही नहीं भाई 10th। तो गाइस जिस दिन मेरा रिजल्ट रहता था ना, उस दिन मैं जैसे ही मेरा रिजल्ट आने वाला है, सुबह पहले 10 बजे रिजल्ट आता था, अब तो इनका 4 बजे आता था, लेकिन अब पहले जब मेरे टाइम पे आता था ना, तो मैं भाग जाता था घर से सीधा, अपने दोस्तों को बोलता था जब रिजल्ट जो भी आएगा तो मेरे को बता देना, उसके बाद मैं घर जाऊंगा, क्योंकि डर लगता था ना बहुत ज्यादा। पता है ना, अगर फेल हो गया तो सीधा कुटा ही। तो गाइस अभी वेट करते हैं थोड़ी देर, जैसी रिजल्ट आएगा देखते हैं अब क्या होता है, बस यही दुआ है कि हो जाए पास। तो गाइस 4 बज चुके हैं, ये देखिए 4 बज गए हैं, अब देखते हैं सिमरन का रिजल्ट। पहले सबको बुलाता हूँ, फिर सबके साथ मिलकर देखेंगे रिजल्ट। मम्मी सिमरन 4 बज गए, जल्दी आ जा, आ जाओ तो सब आ जाओ, रिजल्ट देखेंगे, आप देखेंगे सिमरन का रिजल्ट। चलो 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 रिजल्ट देखते सिमरन। सिमरन इधर आ, इधर जल्दी आ, तेरा रिजल्ट आ गया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। गाइस अभी वेबसाइट नहीं खुल रही है सिमरन वाली, तो रुकते हैं जरा थोड़ी देर, क्योंकि ना गाइस एक साथ सारे लोग देखते हैं ना, तो इस चक्कर में थोड़ा ज्यादा नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं, तो खुलती नहीं, अभी खुलने दीजिए। सिमरन कैसा लग रहा है? आप देखते हैं सिमरन का रिजल्ट, सबसे पहले मैं देखूंगी। 3 3 9 3 3 9 मैं देखूंगा सबसे पहले खामोशी बता रही है मुझे कुछ तो गड़बड़ आ गया। दिखा सिमरन तेरे आ रही मैथ में अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इसके आर के टोटल नंबर है इसके 3 सॉरी 287 500 में से
तो गाइस हमारी बहन पास हो चुकी है सिमरन, हालत हो गई थी ना खराब, तो अब तो गाइस सिमरन तो पास हो चुकी है। ये रहा सिमरन का रिजल्ट, एक बार आप लोग फिर देख लो। और अब करेंगे हम एक डांस। कैसे सेलिब्रिटी है यार, तो दिहाड़ी मजदूरी करती है। हमारा मैं वैसे भी वो थोड़ा पॉलिएस्टर टूट रखा है, 50 रुपए जा कर दियो ये ले। लेना है यार, तू कितने पैसे दिए तुझे? टैंकर अनलिमिटेड पैदा इसी पेटी में अमीर था मैं, बट वो हॉस्पिटल वालों ने भी बोला अरे आपको अमीर पैदा हुआ है। अच्छा गंगू को बोले अरे आप गरीब, आपके घर में गरीब पैदा हुआ है। जब गंगू पैदा हुई थी, जब गंगू पैदा हुई थी उन्हें ऐसा नहीं बोला था आपके घर में लड़की, ऐसे बोला उन्हें आपके घर में सेलिब्रिटी पैदा हुई है। अच्छा अरे गलती से हो गया मुंह इधर उधर वही चार थे वैसे। हाँ वो वही तो बोल रहे थे है ना, उनकी गंगू आपके घर में गरीब पैदा हुई है। मैं सेलिब्रिटी, अरे यार ये गंजना की चुप हो रखी, अरे बेचारे सोच रहे की पैसे मिल दिए कुछ उठाएगा। सिमरन अब क्या गिफ्ट मांगेगी बता पापा से? पापा की परीक्षा मांगती है उड़न घटोला। सो गाइस सिमरन का रिजल्ट आ चुका है और वो सिमरन पास भी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी है। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि आज हमने बहुत सारा फन किया और अभी भी आगे करेंगे क्योंकि अब तो पास होगी, अब ज़्यादा फन करेंगे। तो गाइस अगर मेरे को और ऐसी वीडियो लेके आनी है तो मेरे को बता देना, तो मैं ऐसी फनी वीडियो भी बनाते रहूँगा मतलब फैमिली के साथ। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ गाइस जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।